अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, अरे ये तो करिश्मा है कुदरत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। डियर स्टूडेंट, आज किस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर को, जो प्रोज सेक्शन के 8वां नंबर चैप्टर है, हाउ फ्री इज द प्रेस, जो लिखा गया द्रोथी एल्सेयर्स के द्वारा, द्रोथी एल्सेयर्स, द्रोथी लेसर्स, आप लोग पढ़े होंगे। इसका सबसे पहले हम लोग समरी देखेंगे और समरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो द्रोथी एल्सेयर्स कैसे याद रखना, आपको ट्रिक भी जस्ट बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे है, सबसे पहले देखना समरी, समरी से भी पहले देखना इंट्रो, इंट्रो इंट्रोडक्शन यानी कवि जी का, कवि नहीं राइटर लेखक जी का क्या परिचय है, परिचय भी देखना, इंट्रो देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री का मतलब क्या होता है, हाउ फ्री का मीन्स हो गया हाउ फ्री कितना आजाद है, प्रेस फ्री, फ्री मीन्स आजाद या स्वतंत्र, हाउ फ्री कितना स्वतंत्र है, प्रेस मीन्स मीडिया, मीडिया यानी न्यूज़पेपर, मीडिया वाले आजकल कितना स्वतंत्र है। द्रोथी एल्सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, द्रोथी एल्सेयर्स के पुराना एल का पूरा ले याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ द्रोथी लेसेयर्स, कैसे याद रखेंगे तो सबसे पहले ये ट्रिक जानिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्रोथी एल्सेयर्स याद रखिएगा, प्रेस मिस मेरे प्यारे लाल, प्रेस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रेस, चैप्टर का नाम है, चैप्टर के लास्ट में प्रेस है, प्रेस वाला मतलब क्या, मीडिया वाला, मीडिया वाला हमेशा क्या करता है, लाइव शेयर करता है, एल शेयर्स का मतलब याद रखिएगा लाइव शेयर करता है, कोई भी बात इधर सुना उधर शेयर करते जाए, इधर सुना उधर से, आज की ताजा खबर, अग्रवाल इंग्लिश क्लास में अग्रवाल सर को देखे पियर की पहने हुए, ये ताजा खबर हो गया, इधर से देखा उधर शेयर कर दिया, तो लाइव शेयर याद रखिएगा। चलिए द्रोथी एल शेयर्स की याद रखिएगा, लाइव शेयर, लाइव शेयर कौन करता है जी, प्रेस वाले। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, इनका जन्म कहे तो 1893 में, मृत्यु कहे तो 1957 में हुई थी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, द्रोथी एल्सेयर्स जिनका पूरा नाम ले, द्रोथी लेसेयर्स वाज बोर्न इन 1893, इनका जन्म 1893 में हुआ था। सी वाज एडुकेटेड, वो शिक्षा प्राप्त किए थे, शिक्षित हुए थे एट समरविले कॉलेज, समरविले कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, समरविले कॉलेज में वो शिक्षा प्राप्त किए थे, कौन, द्रोथी एल्सेयर्स जी। सी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वे प्रथम महिला थी, फर्स्ट वुमेन, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी, ग्रेजुएट मीन्स का ग्रेजुएशन की थी, कौन से यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम महिला कौन थी ग्रेजुएशन करने वाली, द्रोथी एल्सेयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सी बिकेम एन एसिस्ट, आगे चल को एसिस्ट मीन्स निबंधकारिता की, यानी निबंध लिखी, निबंधकार बनी, प्ले राइट मीन्स नाटककार, पोइट मीन्स कवित्री भी बनी, कवि जी बने, एंड राइट मीन्स लेखिका, लेखक के भी काम किए। हर फेमस वर्क, उनका कुछ फेमस वर्क, वर्क मीन्स का कृति, कृति याद, कृति मीन्स हो गया, उनका कुछ बुक भी फेमस रहा, जैसे क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर्स, इटीसी। सी डाइड, उनकी मृत्यु 1957 में, 1957 वो दुनिया से टन बोल गए, दुनिया से ईश्वर के प्यारे हो गए। चलिए मेरे प्यारे लाल, आगे चलते हम लोग समरी पे, समरी से आप, समरी को आप लोग ध्यान सुनिएगा, क्योंकि समरी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील होगा, जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगे हाथ हम लोग देखते जाएंगे। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है, इज ए गुड एसे, एक गुड एसे, एक अच्छा निबंध है, विच हैज बीन रिटेन बाय द्रोथी एल्सेयर्स, विच हैज बीन रिटेन, जो लिखा गया है, रिटेन मीन्स लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया जी, द्रोथी एल्सेयर्स, द्रोथी एल्सेयर्स याद रखिएगा, द्रोथी लेसेयर्स यानी द्रोथी एल्सेयर्स शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। इन दिस एसे, इस एसे में सी फोकस, उन्होंने प्रकाश डाली है क्या चीज पे, ऑन द मिसयूज ऑफ प्रेस, प्रेस का क्या मिसयूज होता है, उस मिसयूज पर फोकस की है कि प्रेस क्या क्या चीज पर गलती करते हैं और प्रेस को हम लोग गलती करवाते हैं, ये सारी चीज पे। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, उनके मिस क्या, द्रोथी एल्सेयर्स एक लेडी है, उनके अनुसार द प्रेस शुड बी हैंडलेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रेस मिस, प्रेस मिस मीडिया वाले को
हैंडल का मतलब संचालित होना चाहिए, यानी किसके सहारे चलना, किसके इशारे चलना चाहिए, तो किसके लिए काम करना चाहिए, तो वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल मीन्स जनता के कल्याण के लिए, वेलफेयर मीन्स कल्याण, यानी प्रेस वाले को हमेशा काम किसके प्रति करना चाहिए, जनता के कल्याण के प्रति करना चाहिए, एज वेल एज नेशन, और किसके लिए, नेशन के लिए, नेशन मीन्स राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश को सुधार के, देश का अच्छा दिखाने के लिए काम करना चाहिए। देयर शुड बी फ्रीडम फॉर द प्रेस, और प्रेस मीन्स मीडिया को अच्छी तरह फ्रीडम, आजादी भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि आजाद अगर मीडिया वाले नहीं हो, मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं हो, तो स्वतंत्र रूप से वो न्यूज नहीं दिखा पाएंगे, तो उनकी भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें भी आजादी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, कभी भी प्रेस पर रिस्ट्रिक्टेड का, रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध, उसे कभी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, प्रतिबाधित नहीं करना चाहिए, उसे बाधित नहीं करना चाहिए। अगर हम मीडिया वाले को बाधित करते रहेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे कि ऐसा न्यूज नहीं छापना, वैसा न्यूज नहीं छापना, तो बताइए वो नहीं, वो सही होगा गलत हो, सही को सही, गलत हो गलत ठहराना न्यूज वाले का काम है, यानी प्रेस वाले का काम है। द प्रेस शुड नॉट बी हैंडल बाय द पॉलिटिशियन, प्रेस को कभी भी हैंडल नहीं होना चाहिए, किसके हैंडल, पॉलिटिशियन के हैंडल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियन के सहारे संचालित नहीं होना चाहिए। इट शुड गिव द फैक्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, इट शुड द गिव द फैक्ट, गिव मीन्स देना, इट शुड गिव द फैक्ट रिलेटेड द गवर्नमेंट, उन्हें फैक्ट रिलेटेड, फैक्ट मीन्स सच्चाई के रिलेटेड, उन्हें क्या चीज न्यूज देना चाहिए, चाहे वह गवर्नमेंट के लिए हो, या पॉलिटिशियन हो, या सोसाइटी हो, या कोई क्राइम हो, किसी प्रकार का अपराध हो, हमेशा सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, सच्चाई को दिखाना चाहिए, जो सत्य हो वो उसे दिखाना चाहिए। बट लेकिन देर शुड बी सम कंट्रोल, लेकिन उसमें भी कुछ कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल ऑल्सो ओवर इट, इस सब पर कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल भी रहना चाहिए। देखते हैं ना न्यूज छापते छापते देखिएगा, ऐसा ऐसा न्यूज बना देते हैं जिससे थोड़ा हानि भी पहुंचते हैं, कंट्रोल में न्यूज होना चाहिए, चढ़ा बढ़ा के न्यूज देने से कोई फायदा नहीं होता, न्यूज जो सच्चाई हो सच्चाई को दिखाना चाहिए, समझ गए। इट शुड गिव द रियलिटी विदाउट सेंटीमेंट, रियलिटी, रियलिटी मीन्स होता वास्तविकता, गिव मीन्स देना, वास्तविकता देना, वास्तविकता प्रदान करना चाहिए विदाउट सेंटीमेंट, यानी प्रेस वाले को हमेशा वास्तविक, जो वास्तविक हो, रियलिटी हो, रियलिटी को दिखाना चाहिए, बिना कोई सेंटीमेंट, विदाउट मीन्स होता बिना कोई सेंटीमेंट का मतलब भावुकता, भावनाओं से, यानी कहने मतलब किसी में भावुक नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेस वाले हैं, अगर आप मीडिया वाले हैं, सच्चाई को दिखाना चाहिए, चाहे उसके बीच आपका अगर गलत करते हुए आपका भाई आ जाए, आपकी कोई भी आ जाए, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो आपका सच्चाई को दिखाना, क्योंकि मीडिया किसी का नहीं होता है, मीडिया सबके लिए बराबर है, चाहे वो बड़े आदमी हो या छोटे आदमी, गरीब हो, अमीर हो, पॉलिटिशियन हो, सरकार हो, गलत को गलत दिखाना है, सही को सही दिखाना है, दैट इज कॉल्ड प्रेस, इसी प्रेस कहते हैं इसी को। तो मीडिया वाले सही दिखाना चाहिए, कभी भी उसे भावुक नहीं होना चाहिए, बाप रे ये इतना बड़े आदमी, इनके बारे में कैसे हम बोल दे, कैसे कुछ कहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। Nowadays, इन दिनों editorial policy, editorial, edit में आप लोग जानते हैं संपादक होता, संपादक जो edit करते हैं, संपादक, editorial में संपादकीय होता है, यानी editorial जो edit करने वाला जो policy होता है, कहने मतलब न्यूज छापने का जो तरीका होता है, न्यूज जो छापा जाता है, ये depends में से आश्रित होता, depend होता है किस पे, on two factor, याद रखें, objective question पूछेगा, यानी आजकल जो news निकलता है वो दो ही चीज पर focus करके निकलता है, यानी press वाले जब भी news को छापते हैं वो दो चीज पर ध्यान देते हैं, पहला चीज देखो क्या हो गया, first the interest of advertiser, advertiser में से होता है जो विज्ञापन करवाते हैं, जो ad दिलवाते हैं, पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, अखबार पत्र पढ़ते होंगे, या कोई भी न्यूज देखते हैं, न्यूज देखिएगा, या कोई वीडियो देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, एक अगर तीन मिनट के वीडियो हो, कम से कम दो बार उसमें ऐड आता है, तो ऐड वाले से बहुत सारे फायदा लेते हैं, जैसे प्रेस वाला, आप एक गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे आप अखबार खरीदते हैं, पेपर खरीदते हैं, उस पेपर को आप खरीदने में कितना कॉस्ट देते हैं, लेकर के कितना कीमत देते हैं, 3 से 4 रुपया देते हैं, क्या 3 से 4 रुपया उसका दाम हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका छपाई से लेकर के कागज का अगर दाम निकालिएगा तो 1820 रुपया उसका वाजिब होता है, लेकिन आपसे लिया जाता है 3 से 4, फिर उसको फायदा कहाँ से होता है, तो उसमें जो बड़े बड़े हेडिंग में जो रहता है, सर्फ एक्सल, निरमा पाउडर, ये
बहुत सारे रहता है, उसका जो प्रचार एडिंग रहता है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो बताइए, आपसे तो कुछ फायदा हुआ नहीं, तो आपके लिए क्यों छापेगा? वो हमेशा किसके प्रति छापता है, यानी किसके लिए, किसके फायदे के लिए छापता है? एडवर्टाइजर, जिससे एडवर्टाइजर खुश हो, एडवर्टाइजर के लिए ही, उसके इंटरेस्ट में, उसकी रुचि में, उसके इंटरेस्ट हो, उसके इंटरेस्ट में छापा जाता है। और सेकेंड बात देखो क्या होता है, सेकेंड क्या चीज पर फोकस रहता है, वेल्थ ऑफ ऑनर ऑफ द प्रेस। प्रेस का जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उन्हें भी वेल्थ होना चाहिए, धन में इसका पैसा होना चाहिए, जिसमें ज्यादा पैसा हो, यानी उस एड से ज्यादा पैसा मिलता है। एड मीन्स क्या, प्रचार, उसमें जो डालते हैं, एडिंग डालते हैं, एडवर्टाइज डालते हैं, उससे ज्यादा पैसा होता है, इस पर वो ध्यान देते हैं। समझ गए? द न्यूज मेकर, न्यूज मेकर मीन्स प्रेस, नेवर राइट्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजर्स। कभी भी एडवर्टाइजर मिस हो गया, विज्ञापन करता जो एडिंग डालते हैं अपना अपना बड़े बड़े कंपनी वाले, उसके प्रति कभी भी वो नहीं लिखते हैं, जो एडिंग उसमें डाला करते हैं उसके प्रति वो कभी विरुद्ध नहीं जाते हैं। कौन? प्रेस वाले। समटाइम्स, कभी कभार, द वर्कर, द न्यूज मेकर एंड द एडिटर, ये सब जो है थिंक में सोचते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑनर, ऑनर के ही कल्याण के लिए, ऑफ द प्रेस, प्रेस का जो ऑनर है। सो इसलिए दे डू नॉट गो अगेंस्ट, इसलिए वे लोग उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। कहने का मतलब होगा, जो एडवर्टाइजर होते हैं, एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, अगर उसकी उसी के विरुद्ध अगर लिखना स्टार्ट कर दे तो काहे ले अपना एडवर्टाइजिंग नहीं देगा? अगर एडवर्टाइजिंग देना बंद हो जाए, अगर नहीं देने लगे, तो पेपर वाले को बहुत सारे घाटा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एडवर्टाइजर के प्रति कभी भी गलत नहीं छापते हैं। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ, एंड द पब्लिक, पब्लिक हैव नो नॉलेज। और कहा गया, देखो जनता के पास, पब्लिक जो हम प्रबलित हैं, पब्लिक हैं, हैव नो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं, कोई दिमाग नहीं होता उसके पास, अप राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग थिंग, क्या गलत चीज है क्या सही चीज है, इस सब कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी ले लिया कोई बात। दे मस्ट पब्लिश अबाउट इन्वेंशन, कहते हैं अगर मीडिया वाला चाहे तो किसी भी देश, किसी भी राज, किसी भी गांव को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतना फ्रीडम होती है, कहीं भी जाकर वो आवाज उठा सकते हैं। उसे हमेशा अगर देश का अच्छा करना है, समाज सुधारना है, तो दे मस्ट पब्लिश, अवश्य पब्लिश करना चाहिए, पब्लिश मीन्स प्रकाशन करना चाहिए, क्या चीज के बारे में, अबाउट इन्वेंशन, इन्वेंशन को लेकर के प्रेस में देना चाहिए, मीडिया वाले को छापना चाहिए। डिस्कवरीज, इंटरव्यूज ऑफ ग्रेट पर्सन, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू जो होते हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, बड़े बड़े लोग के जो इंटरव्यू होते हैं, जो बड़े बड़े लोग अचीवमेंट करते हैं, अचीवमेंट से बड़े बड़े चीज़ को हासिल करते हैं, बड़े मुकाम हासिल करते हैं, उसके बारे में छापना चाहिए, ताकि बच्चे उसके देख मोटिवेट हो। एंड दे डू सो ऑल्सो, उनको ऐसा ही करना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। प्रेस इज क्वाइट फ्री इन ग्रेट ब्रिटेन, प्रेस जो है बिल्कुल फ्री है ग्रेट ब्रिटेन का, मतलब हो गया एक महान ब्रिटेन में ही, यानी ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसमें लेखिका जी दर्शाएं कि ब्रिटेन में जो है क्वाइट फ्री, मतलब कि बिल्कुल फ्री है, फ्री मीन्स का आजाद है। प्रेस कहाँ आजाद ही जी, बिल्कुल आजाद, तो ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में याद रखें, ब्रिटेन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। बट लेकिन देर इज नो कम्प्लीट, लेकिन कम्प्लीट फ्रीडम नहीं है इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ कहीं भी कहाँ वहाँ पर पूर्णता आजादी प्रेस को नहीं दिया जाता, लेकिन ब्रिटेन की चर्चा हुआ है। देर इज पोलिटिकल प्रेशर ओवर द माइंड ऑफ एडिटर्स, एडिटर जो होते हैं, संपादक जो होते हैं, जो न्यूज छापते हैं, उस पर प्रेशर रहता है, किसका, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। दे कांट गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन को नहीं दे पाते हैं, बट लेकिन प्रेस इज द सोर्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑल्सो, लेकिन कहते प्रेस जो होते हैं, प्रेस इज सोर्स, वो स्रोत होते हैं, क्या चीज स्रोत होते हैं, इम्पार्टी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का, नॉलेज प्रदान करने का, नॉलेज में ज्ञान प्रदान करने का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। आप न्यूज देखिए, अगर प्रत्येक दिन न्यूज देखते हैं, अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो आपको को आप किताब रखना नहीं पड़ेगा, करेंट अफेयर्स आपको पूरा सारा चीज के GS याद होते जाएगा, तो ये नॉलेज का भी बहुत बड़ा सोर्स है, याद रखना। बाय द हेल्प ऑफ इट, इट मीन्स यही प्रेस, यानी अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, द सिविलाइजेशन ऑफ मैन, किसी भी मैन के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सिविलाइजेशन होती है, सभ्यता होती है, हैज बीन चेंज, बदला जा सकता है, बदल जाएगा। इट इज
प्राइसलेस या अमूल्य होती है। इट हेल्प अस टू पब्लिश डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशनल बुक। ये हमें ये प्रेस वाले जो हैं बहुत सारे एजुकेशनल बुक भी प्रदान करती है। एंड इट हेल्प टू गिव अस इंफॉर्मेशन, ये हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं। बट लेकिन समटाइम्स, लेकिन कभी कभार देखो क्या होता है कि इट इफेक्ट्स, ये प्रभावित भी कर देते हैं द पर्सन, लोगों को, बाय गिविंग द रॉन्ग न्यूज, गलत न्यूज देकर के। सो इसलिए एट लास्ट अंततः हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं द प्रेस शुड बी विद हेल्दी ओपिनियन। प्रेस के पास क्या होना चाहिए? हेल्दी ओपिनियन होना चाहिए। हेल्दी ओपिनियन का मतलब हुआ साफ सुथरा विचार होना चाहिए। एंड रियल फ्रीडम भी उन्हें होनी चाहिए, एक वास्तविक आजादी भी होनी चाहिए। बट द प्रेस इज नॉट कंप्लीटली फ्री। लेकिन दिस डेज, इन दिनों बात करेंगे, आजकल की अगर बात करेंगे, अभी देखिए प्रेस वाले जो हैं कंप्लीटली पूर्णता फ्री आजाद नहीं है। द पब्लिक शुड मेक इट पावरफुल एंड फेयर। अगर पब्लिक चाहे, हम पब्लिक अगर चाहे किसी भी प्रेस को, प्रेस में मीडिया वाले को हम पावरफुल बना सकते हैं, फेयर मीन्स अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, आगे चलते हैं आज के शाम, बस आप लोग के नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए कौन बनेगा करोड़पति, मारिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, हाउ फ्री इज द प्रेस इस एन एसे रिटेन बाय डैस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ट्रिक बताएं। प्रेस वाला मीन्स मीडिया वाला हमेशा लाइव शेयर करता है। देखो एल शेयर कहाँ लिखा हुआ, लाइव शेयर, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, प्रेस शुड नॉट बी हैंडल बाय द डैस। प्रेस जो है किसके हाथ हो हैंडल में संचालित नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिशियन कहा तो कभी भी संचालित नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियन के सारे कभी भी प्रेस को नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने फायदे में हमेशा बोलेगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंसरशिप, देखिए सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप इज इम्पोज। सेंसरशिप का मतलब हो गया सरकार जो हुकुम आते हैं, जिसको सरकारी हुकुमनामा बोलते हैं, सरकारी हुकुमनामा इम्पोज में थोपा जाता है। ड्यूरिंग किसके दौरान इलेक्शन, इलेक्शन जब होने वाला होता है, या हाँ इलेक्शन ही बोलेंगे, इलेक्शन दौरान खास करके ये थोपा जाता है। सरकारी यानी सरकार तरफ से आता है न्यूज की तरह, मतलब सही को सही देखा ना, गलत उधर गलत। प्रेस इन फ्री इन ग्रेट डैश, प्रेस फ्री है कौन सा ग्रेट, कौन सा महान देश में, ब्रिटेन, अभी जस्ट पर ग्रेट ब्रिटेन। द चीफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द प्रेस, प्रेस के लिए चिप सोर्स मतलब मुख्य जो है, मुख्य सोर्स पैसा का यानी इनकम का मुख्य सोर्स क्या है जी, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट यानी कहने में पेपर में जो देखते हैं बड़े बड़े छापा हुआ रहता है, निर्मा पाउडर, ये सर्फ एक्सल, ये सबसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होती है, इसलिए चिप सोर्स कहा गया। रिवेन्यू का मतलब हो गया उन्हें इनकम का। द एडिटोरियल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन, एडिटोरियल जो पॉलिसी होती है, एडिटोरियल में संपादीय, संपादकीय मतलब हो गया संपादक जो एडिट करते हैं, वो एडिट यानी छापने का कितने तरीका है, तो दो तरीका होते हैं, यानी दो तरीका, यानी दो चीज़ को ध्यान रख छापा जाता है। एक होता है यानी एड, जो एडिंग विज्ञापन का, उसके प्रति फायदा होना चाहिए, उन्हें उसको अच्छा लगना चाहिए, और दूसरा हो गया किसको पैसा इनकम आना चाहिए, यानी मालिक को आना चाहिए, बाद की जनता कुछ हो या ना हो उसको तो एक तरह समझिए फ्री में दिया जाता है, 3-4 रुपया लिया जाता, ऐसा सोच है, ये कहना है इनका। द प्रेस नेवर राइट्स अगेंस्ट, प्रेस कभी भी किसके राइट्स, किसके अगेंस्ट, राइट मतलब नहीं लिखते हैं, किसके अगेंस्ट नहीं लिखते हैं, तो एडवर्टाइजर्स जो विज्ञापन करता है उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं लिखते हैं। द पब्लिक कैन, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक कैन मेक द प्रेस, पब्लिक जो प्रेस मतलब मीडिया को बना सकता है, क्या बना सकता है, पावरफुल और फेयर बना सकता है, पावरफुल शक्तिशाली, और फेयर मीन्स अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया बना सकता है। चलो मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द फर्स्ट सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डैश, फर्स्ट सोर्स क्या है, अभी जस्ट पढ़े एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज फ्री, सॉरी द डैश प्रेस इज सिंगुलरली फ्री, कौन सा प्रेस जो है सिंगुलरली मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जो फ्री है, तो ब्रिटिश, ब्रिटेन का ब्रिटिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन, दोथी एसेस सेस बिलोंग टू डैश, दोथी एसेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग, ब्रिटेन, इंग्लैंड, याद रखिए ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट,
द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश। तो एडिटोरियल पॉलिसी कितने भागों में डिवाइडेड किया गया, तो टू चीफ फैक्टर, यानी दो भागों में, याद रखे दो मुख्य भागों में ये फैक्टर है, यानी इस भाग में डिवाइड किया गया। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए। दोरोथी एल शेयर सेज डैट, दोरोथी एल शेयर जी कहती है डैट की प्रेस इज फ्री, प्रेस फ्री है, कहाँ कहाँ फ्री है, तो कहीं कहीं फ्री है, सब जगह फ्री नहीं है, कहीं कहीं है, तो कहीं कहीं का इंग्लिश क्या होगा, समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं कहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगता है, आपका एक एक कमेंट दिल को बाग बाग कर ही देता है, तो इसलिए कमेंट दबा करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे, जिसका जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब भी दबा कराते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।